ओके सो अभी स्टोरी में डिस्कस कर रहे थे हम कम्बस्ट प्लैनेट्स है ना, एंड वो क्या इफेक्ट आपको देते हैं। सी अगर आप पराशर होरो शास्त्र रीड करेंगे तो उसमें डिग्री दे रखी है। कम्बस्ट एक प्लैनेट कब होता है, जब वो सन के साथ होता है एंड उसकी क्वालिटीज बर्न हो रही होती हैं, है ना। एंड सबकी डिग्रीज अलग अलग लिखी हुई हैं, बट आप 6.20 जब क्लोज कंजंक्शन में हैं सन के साथ कोई भी प्लैनेट तो आप मानो। इट्स लाइक अगर सन के साथ सन अगर मोटर है तो कोई भी प्लैनेट अगर उसके साथ क्लोज कंजंक्शन में है तो उसका फ्यूल जल्दी बर्न होगा। ओवर डू करोगे आप उन चीज़ों को जो प्लैनेट आपके कम्बस्ट हैं, ठीक है। एंड सन मरकरी का अभी किसी ने पूछा था, सन मरकरी आपका बुध आदित्य योगा बनाता है, बट अगर वो ज़्यादा क्लोज है तो वो मरकरी की क्वालिटीज़ को बर्न करेगा। मरकरी की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, मरकरी जो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ आपको ओवर पावर करेंगी। मरकरी क्या होता है, आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, वो चीज़ें, वो लोग आपको ओवर पावर करेंगे, अपने डिसीजन आपके ऊपर डालेंगे, ठीक है मेनली। तो एंड मरकरी आपकी इंटेलिजेंस भी है, तो कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड उस चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है ना। सेम वे वीनस, अगर वीनस सन के पास कंबशन में है तो वीनस बहुत ज़्यादा ओवर पावर हीट हो रहा है, एंड इसलिए इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं, है ना। वीनस के साथ अगर सन है तो क्या होगा, ऐसा पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इन अ रिलेशनशिप। इट्स लाइक के पहले तो जो फादरली फिगर थे वो उन्होंने ओवर पावर कर रखा था, अब जो स्पाउस है उनके थॉट प्रोसेस ने मुझे ओवर पावर कर रखा है ना। तो या ऐसे लोग स्टॉकर भी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लव के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। सो यू आर ऑब्सेस्ड विद योर लव पार्टनर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है आपको, सब चीज़ें आप स्टॉक करते हो, देन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपका लव आपको ओवर पावर कर रहा है। अगर वीनस और सन कम्बस्ट हैं आपके 6-7 डिग्रीज मेनली, एंड 10-12 में भी देखो डाइवर्स सिचुएशन मैंने देखी है, एंड ऐसा नहीं होता है क्योंकि नक्षत्र भी मैटर करता है। वीनस का जो नक्षत्र प्लेसमेंट है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता लगती हैं। अगर आपका वीनस हस्ता नक्षत्र में है, चलो कम्बस्ट नहीं है मान लिया, हस्ता नक्षत्र में है, तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो इट्स लाइक इंटीमेसी में ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों से ज़्यादा नहीं सोचते, वो दूर रहते हैं उन चीज़ों से, डजेंट मैटर मेल या फीमेल के चार्ट में। लेट्स से वीनस आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में, इंटीमेसी के बारे में ज़्यादा ध्यान रहेगा वीनस का। लेट्स से वीनस आपका चित्रा नक्षत्र में, अगर वीनस है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको स्पाउस मिलेगी, किसी फीमेल के चार्ट में तो बहुत हैंडसम स्पाउस उनको मिलेगा, डैशिंग पर्सन उनको मिलेगा। एंड कंबशन की बात चल रही थी, लेट्स से कि जुपिटर और सन फ्रेंड्स हैं आपस में, बट फिर भी अगर जुपिटर बहुत ज़्यादा क्लोज है सन के एंड कंबस्ट हो रहा है तो क्या चीज़ बर्नआउट होगी। जुपिटर है आपकी, जुपिटर आपकी इंटेलिजेंस है, तो कुछ भी आप चीज़ लर्न करोगे वो बार बार लर्न करोगे, ठीक है। अच्छे मेंटोर आपको टाइम पे नहीं मिलेंगे, अच्छे गुरु आपको टाइम पे नहीं मिलेंगे, वो बहुत लेट आपको लाइफ में मेंटोर मिलेंगे। देन आप देखोगे कि और लोगों को तो जल्दी मिल गया मेंटोर, देन मेंटोर बर्नआउट हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं अगर सन और जुपिटर कंबशन में आ रहे हैं तो। बट अगर मून है, सन और मून है आपस में, ठीक है, तो वो तो मैंने डिस्कस कर रखा है इन डिटेल, बट जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है एंड 28 की एज तक बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं और उसे बात करने में उनको अकेला रहना ही पसंद होता है, एंड इमोशंस जो हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं अगर मून और सन साथ में है तो। बट सबसे ज़्यादा तो इन कंबशन में सफ़र करता है वो है आपका मार्स और सैटर्न। वो कैसे, मार्स क्या है आपका, मार्स और सन अगर आप साथ में कम्बस्ट हैं तो जितनी भी मेल एनर्जी हैं आपके आसपास, मेल फिगर जितनी भी हैं, छोटा भाई, आप अगर छोटा भाई है तो बड़े भाई की तरह एक्ट कर रहा है, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है वो आपको ओवर पावर करेंगे अपने डिसीजन के थ्रू, ठीक है। एंड सन और मार्स साथ में है तो आपको ओवर पावर कर रहे हैं डिसीजन से, तो ऐसा पर्सन ऐसा भी कर सकता है, कोई चीज़ हाथ में है उठा के फेंक दी, गुस्सा आ गया, एकदम से इरिटेट हो गया, तोड़ दिया कुछ। सन मार्स कंजंक्शन कंबशन में है तो
देन सैटर्न। सैटर्न तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है इस चीज़ में। सन और सैटर्न साथ में हैं, फादर एंड सन। बट सैटर्न क्या है? आपका कर्मा, ठीक है। एंड सन अगर सैटर्न को बर्न आउट कर रहा है तो वो आपको, आपके कर्मा को डीले कर रहा है, ठीक है। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा ज्योति नोटिस करी है कि इंसान को टाइम का ट्रैक नहीं रहता है बिल्कुल भी। कि टाइम, लेट से आपका पेंडिंग कर्म है पास्ट लाइफ का कि आपको इस कंपनी में जाके जॉब करना है एंड इतने सारे लोगों के साथ डील करना है, उनको बॉस करना है। आप बॉस हैं, आपके अंडर 10 लोग हैं, बट आप नहीं जा रहे टाइम पे, आपने वो जॉब ही नहीं करी, छोड़ दी, जा नहीं पाए आप, तो वो कर्मा नेक्स्ट लाइफ में शिफ्ट हो गया। लेट से आपको किसी पर्सन के साथ जाना है डेट पे, आप नहीं गए, मिलेंगे मिलेंगे अभी नहीं, बाद में मिलेंगे, थोड़े दिनों बाद मिल लेंगे, देन अदर पर्सन ने डेट ही कैंसिल कर दी, बात ही करना छोड़ दिया, तो वो कर्मा, पेंडिंग कर्मा आपका नेक्स्ट लाइफ में शिफ्ट हो गया। तो कम्बस्ट प्लैनेट्स के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा मार्स और सैटर्न इसमें सफ़र करता है, बट द फैक्ट इज़ डिग्री गेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर डिग्री बहुत ज़्यादा फार हैं तो इफेक्ट उतना ही कम होगा। सन और मरकरी की अगर बात चल रही थी अभी, अगर ज़्यादा पास हैं, कम्बस्ट हैं, तो यस, आपके फ्रेंड्स आपको ओवर पावर करेंगे चीज़ों में। अच्छी स्पीच देता है, बुध आदित्य योगा बनता है, बट सर्टन हाउसेज में ही वो बनता है, ठीक है, मेनली फर्स्ट, फिफ्थ और 11th हाउस में। यस, बुध आदित्य योगा की क्वालिटीज़ रहेंगी,